शहरों का रोशन आएगा कि पनामा नहर जो है वो कौन से दो महासागरों को जोड़ती है। क्वेश्चन क्या है, पनामा नहर कौन से दो महासागरों को जोड़ती है। देखिएगा दोस्तों, पनामा नहर के एक तरफ तो लगता है प्रशांत, क्या लगता है, प्रशांत महासागर, और दूसरी तरफ लगता है अटलांटिक, क्या लगता है, अटलांटिक। कहने का भाव क्या है, पनामा किसको जोड़ती है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। पनामा स्थल संधि भी इसे कहा गया है, पनामा क्या कहा गया है, स्थल संधि। देखो है नहर पनामा स्थल संधि से क्यों कहा गया है, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग अलग करती है, उनके बीच में एक संधि बनाती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को क्या अलग अलग करती है, तो इसे क्या कहा गया है, पनामा स्थल संधि। एक है स्वेज नहर, दूसरी कौन सी है, स्वेज नहर। मोस्टली जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ज्यादा, वो मिलते हैं स्वेज नहर के। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, अटलांटिक, अटलांटिक प्लस हिंद महासागर, अटलांटिक प्लस हिंद महासागर। दूसरा पूछा जाता है यहीं से, किन दो सागरों को जोड़ रही है, तो अटलांटिक का एक भाग है भूमध्य सागर, कौन सा भाग है, भूमध्य सागर, और हिंद का भाग है लाल सागर, यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, अपनी स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर। अब बात आई भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर में क्या है, एक ज्वालामुखी है, कौन सा है, स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाशतम, क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाशतम। और जो भारत में जो मावठ की वर्षा होती है, यानी कि जो सर्दियों की वर्षा होती है, यानी या फिर जो चक्रवात आते हैं, चक्रवाती वर्षा जो आती है जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, यानी कि जो विक्षोभ आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं। और पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसमें जो जल आता है, या पश्चिमी विक्षोभ जो है कहाँ से चल के आते हैं भारत में, वो कहाँ से आ रहे हैं, सारे के सारे भूमध्य सागर से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था ना, पनामा नहर और स्वेज नहर के बारे में। एक हम देखते हैं भारत की नहर जिसे बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, या इसी को बोलते हैं राजस्थान कैनाल, या इसी को बोलते हैं राज कैनाल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये, क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना। और IGNP जो बनाई गई थी वो 1958 में बनाई गई थी, IGNP कब बनाई गई थी, 1958 में, कब बनाई गई, 1958 में। सतलुज नदी से इस नहर को लाया गया, हरिके बांध से, हरिके बैराज से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन जो आया है वो नदी से आया है, अगला क्वेश्चन कहां से आया है, नदी से। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसी के साथ हम पढ़ेंगे सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी। दूसरी तीसरी पढ़ते हैं अपवाह, अपवाह का मतलब होता है कि सिंचाई जो नदी ज्यादा करती है किसी भाग में उसे बोलते हैं अपवाह, एक नदी द्वारा सिंचित किया गया भाग क्या ही कराता है, अपवाह क्षेत्र कराता है। पहले हमने पढ़नी कौन सी है, हमें विश्व की देखते हैं, उसके बाद में कौन सी देखेंगे हम, भारत की। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, कौन सी है, नील, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर, नील नदी की लंबाई कितनी है, 6650 किलोमीटर। सबसे चौड़ी नदी है अमेजन, कौन सी है, अमेजन, और अपवाह में भी कौन सी आएगी, अमेजन। दोस्तों नदी की चौड़ाई कभी नहीं माप सकते, जल का फैलाव कितना होता है, बरसात कितनी हो रही है, जल का वेग कितना है, उसके हिसाब से जल फैलेगा, उसी हिसाब से हम इसकी एक आइडिया लेते हैं कि चौड़ाई इसकी क्या है, ज्यादा है। नील नदी जो है वो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, कहाँ है, अफ्रीका में। अमेजन कहाँ है, साउथ अमेरिका में, कहाँ है, साउथ अमेरिका। अमेजन फॉरेस्ट,
यानी कि अमेजन के वन। क्या बोला? अमेजन फॉरेस्ट यानी कि अमेजन के वन कहाँ है? दक्षिण अमेरिका या ब्राजील के अंदर है। उन्हें बोला जाता है अमेजन के फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े। किसे कहा गया है? अमेजन के वनों को। अब बात करते हैं दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी और चौड़ी नदी की, साथ में अपवाह वाली नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी है, जो राष्ट्रीय नदी है, वो है गंगा। कौन सी है? गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर। सबसे चौड़ी जो नदी है उसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी। सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी आई? नील नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 6650। और चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। और अपवाह में भी कौन सी है विश्व की? अमेजन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, सॉरी गंगा। चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। लंबी कौन सी है? गंगा। और अपवाह में कौन सी आएगी? गंगा। सिंचाई करने वाली भारत की कौन सी है? गंगा नदी। अगला दो क्वेश्चन आया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा आया है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन क्या है? किस देश में भूकंप व ज्वालामुखी, भूकंप व ज्वालामुखी नहीं आते? तो कहां नहीं आते? ऑस्ट्रेलिया में। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्या, किस महाद्वीप में नहीं आते? पर ऑस्ट्रेलिया क्या है? एक देश है, ना कि एक महाद्वीप है। इसमें ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रेलिया ही। ठीक है जी, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका नाम ओसेनिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नाम क्या है? ओसेनिया। ज्वालामुखी और भूकंप कहां नहीं आते? यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ना तो ज्वालामुखी है और ना ही क्या है, भूकंप है। भूकंप ज्यादा कहां आते हैं? जापान में। कहां आते हैं? जापान में। और ज्वालामुखी ज्यादा कहां आते हैं? इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी ज्यादा कहां है? इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हम करने जा रहे हैं प्रश्न आया है जो संविधान से आया है, मूल अधिकार। क्या आया है? मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आया है कि संविधान में हमें कितने अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में हमारे पास कितने अधिकार हैं। कौन सा है? मौलिक अधिकार। पहले कितने दिए गए थे? 7 दिए गए थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 अधिकार हैं। पहले कितने थे मौलिक अधिकार हमारे पास? 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 अधिकार हैं। जो हटाया गया वो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1976 में से हटा दिया गया। वैसे क्या बना दिया गया? अब कानूनी अधिकार। अब इसे लिया गया है कानून के अंदर अनुच्छेद नंबर 300 में। पहले था ये 31 में। 31 हमारा किसमें आता है? मौलिक अधिकारों में। और 300 क्या है? एक कानूनी अधिकार। तो दोस्तों जो पॉलिटिकल के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।